मॉर्निंग क्लास, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम टॉपिक फोर में देखा था, हमने किसके बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, जो मेरी नंबर फोर की वीडियो में हम रेशनलाइज के बारे में पढ़ा था, है ना। इसी वीडियो में रेशनलाइज को थोड़ा सा और आगे एक दो क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ रेशनलाइज के बारे में, है ना। हमने वहाँ पे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन किए थे, रेशनलाइज हमने जो पढ़ा था हमने उसके बेसिक से बेसिक क्वेश्चन किए थे, है ना। उसी को हम आगे करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर, रूट फोर प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फोर माइनस रूट थ्री, है ना। हमने रेशनलाइज पढ़ा था, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है डिनोमिनेटर में, जो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है किसी में डिनोमिनेटर में, उसको हम क्या होता है डिनोमिनेटर हटा के न्यूमिनेटर की तरफ लेके जाते हैं ना, उसको हम रेशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम रेशनलाइज बोलते हैं। मैंने बताया था बच्चों लास्ट वीडियो में रेशनलाइज कैसे करना है, उसी को हम आगे देखते हैं। तो देखना बच्चों से ध्यान से, हम क्या है कि रूट फोर प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फोर माइनस रूट थ्री, मैंने क्या बताया था कि तुमको कि जो यहाँ पर नीचे साइन होगा, जो यहाँ पर साइन होगा इसका साइन का चेंज कर दो, इस तरह कर दो, इस साइन का चेंज कर दो। चेंज का मतलब कि यहाँ पर एक बार उसको मल्टीप्लाई करो, इससे रूट फोर प्लस रूट थ्री से और रूट फोर प्लस रूट थ्री से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। ये कैसे बताया था मेरे कि जो यहाँ पर साइन होगा इसका उल्टा साइन हमेशा, अगर ये प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, है ना। इसी को देखना बच्चा आगे कैसे करते हैं। अगर मैं ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं करता हूँ रूट फोर प्लस रूट थ्री की मल्टीप्लाई करता हूँ दो बार, है ना, देखना यहाँ पर सेम ब्रैकेट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या है सेम जैसे देखना मुझको, तो रूट फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ रूट फोर माइनस रूट थ्री और a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा रूट फोर प्लस रूट थ्री आएगा ना ऐसे करके, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ पर ध्यान से, रूट फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट फोर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, क्या मेरे को ये बताएगा कि इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल भी, हमने इसे यूज़ किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। इसी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर यानी कि रूट फोर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि रूट फोर का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस बच्चे को आइडेंटिटीज नहीं बताए उसको फटाफट से साइड में नोट कर लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा रूट फोर का, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री, टू मल्टीप्लाई फोर थ्री का कितना हो जाएगा आपका ट्वेल्व, है ना, फोर थ्री का कितना हो जाएगा ट्वेल्व, या तो तुम देखना चलो ट्वेल्व, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर का, फोर से अगर मैं इसको हटाता हूँ तो फोर का क्या हो जाएगा, ये फोर यहाँ पर फोर बचेगा माइनस इससे हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली नीचे क्या हो जाएगा फोर माइनस थ्री का वन, ठीक है। वन को तुम फ्रैक्शन में लिखो ना लिखो कुछ से फर्क नहीं पड़ेगा, देखना फोर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा सेवन प्लस टू, ठीक है। मेरे पास ध्यान से समझना, देखो अंडर रूट ट्वेल्व है, अंडर रूट क्या है ट्वेल्व, क्या मैं ट्वेल्व को ही नहीं लिख सकता, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री भाई टू टू जा फोर फोर जा ट्वेल्व, ठीक है। और हमारे पास रूट की जो प्रॉपर्टी होती है, रूट की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई जो रूट का नंबर होगा जो क्या होगा जो दो नंबर जो जैसे जो दो जैसे नंबर होंगे वो दोनों क्या होते हैं एक बार के बाहर, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको टू रूट थ्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक टू रूट थ्री आ जाएगा, जो ट्वेल्व था तुम्हारा ट्वेल्व था इसको मैंने टू रूट थ्री लिख दिया, है ना। इसको मैं आगे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा सेवन प्लस टू टू का कितना हो जाएगा फोर, तो फोर रूट थ्री, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर सेवन प्लस फोर पर सेवन प्लस फोर रूट थ्री, है ना। फटाफट से बच्चों उसको नोट करो, आगे फिर हम एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। देखना इसके बाद क्या है नेक्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। हमारे पास क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पहले मैं तुमको फटाफट से इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फटाफट से रूल दिखाता हूँ, उसके रूल्स क्या है, ठीक है। देखना सबसे पहला लॉज क्या है हमारे पास, रूल्स क्या है कि अगर a की पावर अगर m है, ठीक है, a की पावर क्या है अगर m है और मल्टीप्लाई, ठीक है, देखना a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इसका जो आंसर होता है ये होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है, क्यों होता है समझना यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या बोला कि a की पावर m होगी और यहाँ पर b की पावर क्या है n है, इनका बेस सेम है, इनका बेस सेम का मतलब क्या होगा, दोनों का बेस क्या है a होगा, भाई दोनों का बेस a होगा। तो याद रखना बच्चों कि जब भी a का जब a के यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में होते हैं, जब दो नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं उनका बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, पावर क्या होती है ऐड होती है, ठीक है।
ठीक इसी का उल्टा अगर मैं ए की पावर एम बोलता हूँ और ए की पावर एन, यहाँ पर क्या इस बार डिवाइड में है, यहाँ पर क्या इस बार डिवाइड में, तो यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगी एम माइनस एन। एम माइनस एन का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसका बेस सेम होगा, जब भी किसी का क्या होगा बेस सेम होगा और पावर अगर डिवाइड में होंगी तो वहाँ पर पावर क्या हो जाएगी उसकी माइनस हो जाएगी और दोनों टर्म्स अगर डिवाइड में होंगी, है ना। थर्ड तुम्हारे पास जो लॉ आता है, थर्ड तुम्हारे पास लॉ क्या आता है, अगर ए की पावर एम है और बाहर एन चल रहा, ए की पावर क्या एम बाहर है, तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो तुम ए की पावर m into n, तुम दोनों को तो एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हो a की पावर m into n, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारे पास नेक्स्ट जो फोर्थ टर्म आती है, फोर्थ ये होता है किसी की भी पावर जीरो, किसी की पावर जीरो में से कितना होता है वन, ठीक है। किसी की भी पावर जीरो में से वन, चाहे वो a हो b हो x हो y हो z हो एनीथिंग कुछ भी हो, उसकी पावर जीरो होगी तो आंसर कितना आएगा हमेशा वन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास टर्म है, अगर वन की पावर अगर कुछ भी हो, जैसे वन की पावर अगर ये हो बोल दिया मैंने कि भाई वन की पावर क्या है 1000x है, ठीक है, तो इसका आंसर भी हमेशा क्या ही आता है, इसका आंसर भी हमेशा वन ही आता है, ठीक है, याद होना इसका आंसर भी क्या आएगा हमेशा वन, वन की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वन की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या आता है वन आता है, ठीक है। बट वो माइनस प्लस पर डिपेंड करता है तो उसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्लस के लिए चलता हूँ, प्लस के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास लॉस आता है, नेक्स्ट तुम्हारे पास लॉस क्या आता है देखना, फिफ्थ हो गया इसका, सिक्स्थ लॉ, एक और लॉ होता है ना, अगर ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम इक्वल टू, मेरे पास ध्यान समझना देखो, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में बेस सेम था तो पावर क्या हुई थी इस बार ऐड हुई थी, पावर क्या हुई थी इस बार ऐड हुई थी। जो लास्ट वाला है इसमें बेस ना सेम हो गया, इसमें पावर सेम है, इस बार ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी पावर सेम है, एम एम जो पावर सेम है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर ए की पावर एम और बी की एम, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए एम की होल पावर एम, ठीक है, ए एम की होल पावर एम, और इसी का मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, इसी का रिवर्स का मतलब कि अगर किसी की पावर, अगर सपोज मैं लिखता हूँ अगर कि मैंने लिखा एक्स और वाई की पावर अगर टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू होगा ये एक्स के साथ भी होगा, ये टू जो होगा वाई के साथ भी होगा, मतलब एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर, इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। ए बी का, ए बी की पावर क्या होगी एम होगी, इसका मतलब क्या होगा ए की पावर भी एम और बी की पावर भी एम, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखना बच्चों, इसके बाद क्या है कि मैं तुम्हें इसके बाद एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कराता हूँ ना, जो तुम्हारी एनसीईआरटी की क्या है एक्सरसाइज 1.6, ठीक है, तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज है और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जो वीडियो नंबर 5 है, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसी के साथ साथ मैं इसके अटैच पीडीएफ लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। पीडीएफ का मतलब क्या होगा कि मैं इसी चैप्टर की यहाँ पर क्या लगाऊंगा पीडीएफ लगाऊंगा, है ना, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, उसको बच्चा से डाउनलोड कर लेना पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को, फिर वहीं से उसको स्टार्ट करना, है ना। देखना पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कराता हूँ एक्सरसाइज 1.6 का, ठीक है, फटाफट से जरा पहले हिसाब से ध्यान देना, उसके बाद सब नोट करना। देखो यहाँ पर क्या है, 125 की होल पावर 1/3, 125 की होल पावर 1/3, इस 1/3 का मतलब क्या होगा देखना है यहाँ पर, इस 125 को हमें फ्रैक्शन में लिख देगी जो तुम्हारी क्या, इसको हम पावर में लिखना है। देखो पावर में कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं रफ में 125 के अगर फैक्टर करता हूँ, क्या करता हूँ इसके फैक्टर करता हूँ, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 5 से कितने डिवाइड हुआ है 25 बार, फिर दोबारा 5 से कर सकता हूँ 5 बार, 5 से कर सकता हूँ 1 बार, यानी 5 कितने बार लिखा जाएगा 3 बार लिखा जाएगा। तो क्या मैं इस 125 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 3, भाई 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 125 होगा मल्टीप्लाई, और ये बाहर पे क्या चल रहा है, इसकी पावर 1/3 चल रहा है, ठीक है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कभी अगर दो पावर ऐसे मिल जाए तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ 3 × 1/3 लिख सकता हूँ, 3 × 1/3, ठीक है। इस वाली 3 पावर से ये वाली पावर कैंसिल, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 5 की पावर 1, और जो कि हमारा आंसर होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन है, इनको तुम इजिली कर सकते हो, है ना। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ यहाँ पर, कि सपोज जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करना बच्चों मेरे साथ साथ, यहाँ पर देखना 32 की पावर 2/5, हमें इसको सॉल्व करना है ना, देखना कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिक से बेसिक तरीका कि 32 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या करते हैं 32 के पहले फैक्टर्स, सबको पता है किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, कितनी बार 16 बार, फिर 2 से करता हूँ तो 8 बार, फिर 2 से करता हूँ 4 बार, 2 से करता हूँ ये 2 बार, 2 से करता हूँ ये 1 बार, यानी मैं 32 क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है देखना, सिंपली जो 32 था मैंने इसको लिखा 2 की पावर 5, क्या लिखा 2 की पावर 5, बाहर जो पावर चल रही, बाहर क्या पावर चल रही है 2/5, ठीक है, बाहर जो पावर चल रही है कितनी चल रही है 2/5, है ना। 2 की पावर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जैसे भी क्वेश्चन में क्या हमने 2 × 2/5 भाई 2 × 2/5 लिख सकता हूँ। इसके बाद
इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर जो हमारा नंबर होता है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारे x y 1.6 1.6 में तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर कोई भी यहां पर क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन, ये सब जो तुम्हारे क्या है सारे ये। ठीक है, सब तरफ इजी इजी क्वेश्चन है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसी क्लास में मिलते हैं, इसको चैप्टर को स्टॉप करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, दूसरा मैं इसी चैप्टर के यहाँ पर पीडीएफ लगाऊंगा, पीडीएफ से सॉल्व करना शुरू से लेकर आखिरी तक। कुछ भी अगर एक्शन में कोई दिक्कत होगी, क्वेश्चन में दिक्कत होगी, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू क्लास।